हेलो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे इकोसिस्टम कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम भी हो सकता है, नेचुरल इकोसिस्टम भी हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम में जैसे कि फॉरेस्ट आता है, रिवर आती है, पॉन्ड आता है, जबकि मैन मेड में आ सकते हैं आपकी क्रॉप फील्ड या कोई बाग, जैसे कि मैंगो ट्री से लगा हुआ कोई बाग हो तो वो भी आर्टिफिशियल में आएगा। एक्वेरियम में जो मछलियाँ पाली जाती हैं वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक पॉन्ड इकोसिस्टम का। पॉन्ड इकोसिस्टम में भी दोनों कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पानी में रहने वाली गैसेज आती हैं, पानी आता है, सॉयल आती है जो पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड में नीचे की तरफ हो सकती है, और बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स आते हैं। पानी में रहने वाले प्लांट्स को फाइटोप्लैंक्टन्स और एनिमल्स को जूप्लैंक्टन्स कहा जाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर का काम करते हैं, इनको खाने वाले इंसेक्ट्स और फिशेज जो है वो कंज्यूमर हैं। इनमें भी जो प्लांट पार्ट को खाते हैं वो है प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर। इसका हर्बीवोर का एग्जाम्पल है कुछ स्नेल्स लार्वा। फिर इनको खाने वाले इंसेक्ट सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो हर्बीवोर को खाते हैं। फिर इन्हें खाने वाली टर्शरी कंज्यूमर होते हैं जो कि कार्निवोर होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स को या स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खा लेती हैं। फिर ये जब सभी मर जाते हैं प्लांट और एनिमल्स, तो डिकम्पोजर्स इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। डिकम्पोजर्स में जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन आते हैं, इनको सड़ा कर छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके सॉइल में मिला देते हैं, पॉन्ड में मिला देते हैं, जहाँ से फिर से प्लांट्स की रूट इनको मिनरल्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करके दोबारा फूड फॉर्मेशन करती है। इस तरह पॉन्ड इकोसिस्टम जो है अपने आप में